नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि हमारा परिवार मिल कार्यक्रम में हम थे और यहाँ पर जो मुख्य वक्ता के तौर पर योगेश सैनी जी पहुंचे, उनसे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत है योगेश सैनी जी कंचन टीवी पर आपका। धन्यवाद। योगेश जी, जानना चाहूंगा, हमारा परिवार कार्यक्रम जैसे बताया गया है वक्ताओं के द्वारा, आपने भी बताया कि समूह एक परिवार बना दिया जाता है जिससे भाईचारा प्रेम बढ़े, क्या क्या मुख्य उद्देश्य हैं हमारा परिवार के? देखिए, हमारा परिवार स्वदेशी जागरण मंच की प्रेरणा से चलने वाला अपना एक संगठन है। 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। अभी वर्तमान में हरियाणा प्रांत में 22 इकाइयाँ अपनी कार्यरत हैं, यानी 22 स्थानों पर हमारा परिवार की इकाई चल रही है। इसका आपने उद्देश्य पूछा, भारतवर्ष में चलने वाले जितने भी भारतीय संस्कृति को मानने वाले संगठन हैं, यानी सामान्य शब्दों में कहें जिनको भारत भूमि के अंदर भारत माता दिखाई देती है, उन सभी संगठनों की तरह ही अपना इस हमारा परिवार का जो उद्देश्य है वो भारत माता को पुनः विश्व गुरु दायित्व पर आसीन करना है, परम वैभव की ओर हमने लेकर जाना है। जी, वही सवाल मेरा आपसे रहने वाला है। योगेश जी, कब से भारत माता के दायित्व पर जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं भारत माता की संतान तो उसी दिन हो गया था जिस दिन मेरी माता की कोख से मेरा जन्म हुआ। दायित्व कब से लिया और है आपने? हमारा परिवार जो संगठन है, एक जिसके कार्यक्रम में आज आप और हम सब यहाँ एकत्रित आए हैं, इसमें 2017 से ही मैं जुड़ा हुआ हूं और वर्तमान में हरियाणा के प्रांत संरक्षक के नाते मैं दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। जी, अब आपने बताया कि संगठन को मजबूत करना है, भाईचारे को बढ़ाना है, इसीलिए ये संगठन बनाया है। क्या क्या उद्देश्य और निर्धारित किए गए हैं संगठन के द्वारा? देखिए, सबसे पहले जैसा इसके नाम से ही परिलक्षित होता है कि हमारा परिवार, हमारा परिवार माने जहां पर हम की भावना हो, मैं की भावना के लिए कोई स्थान ना हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरु जी कहा करते थे, मैं नहीं तू। जहां पर मुझसे पहले सामने वाले का भाव हो, ये ऋषि परंपरा है। ऋषियों ने इस बात को हमें सिखाया है कि हम सामूहिकता में रहें। मैंने बताया कि ऋग्वेद के 10वें सूक्त में, 10वें मंडल में 192 सूक्त के अंदर यह श्लोक आता है जिसको संगठन श्लोक भी कहा जा सकता है। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजानाना उपासते। यही उद्देश्य अपना है हमारा परिवार का, हम सब हम बनकर काम करें। और जब हम बनकर काम करेंगे तो मुझ में, आप में, या किसी भी राह चलते हुए किसी सामान्य नागरिक में किसी प्रकार का जब कोई भेद शेष नहीं रहेगा तो हम सब क्या हो जाएंगे, हम सब एक परिवार का घटक बन जाएंगे। यहां पर भावना घटक बनने की है, यहां पर सदस्य बनने की भावना नहीं है, घटक होने की बिल्कुल भावना। बिल्कुल। तो कितना अभी तक आपका संगठन है, कितना कामयाब हो चुका है अपने उद्देश्य में? आप और हम यहां पर खड़े होकर आज बात कर रहे हैं तो यह सफलता का पर्याय ही है। सामान्य कार्यक्रम में मुझे नहीं लगता कि पत्रकार बंधुओं के पास इतना समय होता होगा कि वे अपना समय निकाल कर, क्योंकि बहुत सारे कीमती समय में से एक कुछ भी समय निकालना, तो मैं सफलता का जो पर्याय है वो ना संख्या को मानता हूँ ना भीड़ को मानता हूँ। मेरी दृष्टि में सफलता का पर्याय है कितने व्यक्ति आपकी बात से अपनी सहमति रखते हैं, वो उस संगठन से जुड़े अथवा ना जुड़े, किंतु उस संगठन के विचार के प्रति अपनी श्रद्धा रखना, जी, तो यही एक सफलता का पैमाना मैं मानता हूँ। क्या मान लिया जाए बहुत सारे समूह में, बहुत सारी जनता में आप अपने विचारों को उनके मन में डाल पाए हैं? जी, हमारे विचार बिल्कुल मूलभूत हैं, ये कोई हमारे संगठन के विशेषाधिकार प्राप्त विचार नहीं है, मूलभूत विचार हैं। माने भारत को अगर विश्व गुरु दायित्व पर जाना है तो हमें ऋषि परंपरा का अनुसरण करना होगा। ऋषि परंपरा का अर्थ, हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार के महान कार्य किए हैं उनकी गौरवपूर्ण स्मृति को ध्यान में रखते हुए और लगातार चरैवेति चरैवेति के सिद्धांत को मानते हुए हमने अपने आप को इतना मजबूत करना है, इतना शक्तिमान बनाना है कि हम किसी को पीड़ा पहुंचाए बिना, जी, माने कल्याण मंत्र की जो भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, इस प्रकार की भावना को लेकर चलने का उपाय हम सब लोग मिलकर करें,
तब हम निश्चित रूप से, और अब तो वर्तमान में तो भारत में आप देखिए कि स्वर्णिम काल जो कभी सुना करते थे, पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। पूरे विश्व में भारत की सफलता के झंडे इस बात से गड़ रहे हैं कि हमने COVID-19 के इस काल में भी न केवल अमेरिका को हमने दवाओं के रूप में मदद पहुंचाई और इधर नेपाल को भी पहुंचाई। माने एक दुनिया का दादा कहलाने वाला देश और एक दुनिया के अंदर बालक प्रकार का छोटा देश, हमने सबको समान दृष्टि से सबको देखा साथ और लेकर हम सबने चले। हमारा साथ और हमारी बात का विश्वास किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं चलते चलते संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा, आरएसएस के 70 से ज्यादा संगठन हैं, उनके अपने संगठन बने हैं, तो हमारे परिवार की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जो सामान्य व्यक्ति कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतने संगठन बने हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप में एक संगठन है, उसका कोई संगठन नहीं है। हर अच्छे विचार का समर्थन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है, हर सद्विचार का समर्थन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। ऐसा करके आप 70 कह रहे हैं, मुझे तो लगता है ऐसे 700 भी हो सकते हैं और 50 भी हो सकते हैं ऐसे संगठन जिनका विचार भारत को भारत माता, भारत भूमि को विश्वगुरु, भारतीय संस्कृति को विश्व की आद्य संस्कृति, भारत की ऋषि परंपरा को सनातन चिर पुरातन नित्य नूतन परंपरा मानने का स्वभाव जिस भी व्यक्ति जिस भी संगठन का है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का न केवल कार्यकर्ता है, वो कभी शाखा में गया हो ना गया हो, शाखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य केवल शाखा लगाना और शाखा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण करना। व्यक्ति का निर्माण होने के पश्चात, व्यक्ति का चरित्र निर्माण मेरा होने के सवाल फिर से पश्चात, वही, इतने सारे संगठन होने के बावजूद क्यों आवश्यकता पड़ी हमारा परिवार संगठन बनाने की? नहीं, संगठन बनाए नहीं जाते, संगठन की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। हर व्यक्ति एक ही प्रकार का काम नहीं कर सकता, हर व्यक्ति का जो सोच का दायरा है वो अलग है। जी जिस समय समाज में जिस प्रकार की अपेक्षा हो रहती है, जैसी आवश्यकता अनुभव होती है, तो कुछ लोग मिलकर उस एक संगठन का, उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उस एक संगठन का निर्माण करते हैं। जी इस समय भारत के अंदर परिवार की परंपराएं टूट रही हैं, परिवार के मूल्य छूट रहे हैं, जी परिवार शब्द के नाम पर केवल एक पति पत्नी और उनका एकमात्र संतान के रूप में ऐसा तीन लोगों का एक परिवार रह गया है। जी इसलिए वर्तमान समय में परिवार की जो इकाई है उसको व्यापक अर्थ उसके दोबारा से समझाने के लिए कि परिवार केवल बायोलॉजिकल पेरेंट्स या बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं होकर परिवार का अर्थ है समाज, और उस नाते से ऐसा सब कुछ समाज में जाए, जी इस नाते से हमारा परिवार का ये गठन इसीलिए किया। आपने कुटुंब को फिर से जोड़ने के लिए ही संगठन का निर्माण किया, और वही कार्य आपका संगठन दिन रात कर रहा है। जी जी बिल्कुल जी, ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा कंचन टीवी से धन्यवाद बात जी करने के साहब, लिए। कंचन कंचन टीवी का बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला, और मेरा ये भी निवेदन है कि आपके माध्यम से समाज में ये विचार जाना चाहिए कि हम अपनी परिवार के मूल्य को समझें, परिवार के साथ एक रस होकर चलें और परिवार के दायरे को बढ़ाएं। केवल हमारे जैविक माता पिता या जैविक संतान तक ना रहकर हम अपने परिवार के दायरे को अपने गली पड़ोस, अपने गांव, अपने गुहांड, अपने दादा खेड़ा से लेकर और श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक लेकर जी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा योगेश सैनी जी बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहते थे कि परिवार जो शब्द की जो मर्यादाएं थी वो कम होती जा रही थी, वो टूटती जा रही थी, उसी को जोड़ने के लिए ही हमारा परिवार संगठन बना है और यही काम ये कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सहयोगी मलिक के साथ मैं यशपाल कंचन।